आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये छोटे छोटे दाने, जिनको अगर आप एक महीना लगातार खाते हैं तो फिर आपको खुद देखकर हैरान होंगे कि आपको कितना फायदा हो रहा है, आपकी बॉडी में कितने चेंजेस आ रहे हैं, आपको कितना एनर्जी लेवल आपका कितना हाई हो रहा है, या अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं तो कितना सारा आपका वेट लूज हो गया है। और यही नहीं, इसके तो ढेरों ढेरों सारे फायदे हैं। ये कौन सा बीज है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी और ये बताऊंगी कि इसको कैसे खाना है, क्यों खाना चाहिए। मेन बात यह है कि इसको क्यों खाना चाहिए, क्यों हम मैं कह रही हूं कि एक महीना खा के देखो कितना आपको फर्क महसूस होगा। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं बहुत सारे ऐसे आयुर्वेदिक नुस्खे आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, ऐसे बहुत सारी सिंपल नेचुरल चीजें आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, क्योंकि मैं नेचुरोपैथी में बिलीव करती हूँ। मैं नेचुरल तरीके से अपने आप को फिट रखने में बिलीव करती हूँ और शायद यही कारण है कि एट द एज ऑफ 72 आई एम क्वाइट फिट। मैं 10 किलोमीटर चल सकती हूँ डेली, मैं अपने सारे घर के काम कर सकती हूँ, मुझे कोई किसी चीज की किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर आप मेरी स्किन को कभी बाय चांस रास्ते में मिलते हैं और देखते हैं तो मेरी स्किन भी बहुत बढ़िया है, आई लव माई स्किन। और ये सब इसीलिए है कि मैं ऐसे ऐसे नेचुरल तरीके बहुत अपनाती हूँ जो आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो चलिए बताते हैं कि ये छोटे दाने हैं क्या और इनको पावर हाउस क्यों कहा जाता है, इनको सुपर फूड क्यों कहा जाता है। ये है चिया सीड्स। प्राचीन सभ्यता में, चाहे वो अजेक हो या मायान सभ्यता हो, उसमें तो ये स्टेपल फूड होता था। वो लोग इसको खाते भी थे, इसको पूजा में भी यूज करते थे, इसको अच्छी अच्छी सेरेमनीज जो उनकी होती थी उसमें भी यूज करते थे। ये उनका एक बहुत मेन फूड में आता था। और ये भी सुना जाता है कि जब सोल्जर वॉर के लिए जाते थे, लड़ाई के लिए जाते थे, तो उनको ये चिया सीड्स खिलाए जाते थे ताकि उनकी एनर्जी मेंटेन रहे और लंबे समय तक वो अब युद्ध में पूरी ताकत के साथ काम कर सके। ये आज की नई खोज नहीं है, लेकिन हाँ आजकल इसका चलन ज्यादा हुआ है, बीच में लोग इसे भूल गए थे, अब ये सुपर फूड की तरह सामने आए हैं। और खास करके जो लोग वेट लूज करना चाहते हैं उनके लिए तो ये एक रामबाण नुस्खा है। सबसे बड़ी खासियत ये है इनकी कि इनकी ना तो अपनी कोई स्मेल है ना इनका अपना कोई टेस्ट है, तो इनको अपनी डाइट में शामिल करना बहुत आसान है। चाहे सैलेड में लें, चाहे स्मूदी बना के लें, जूस बना के लें, या फलूदा और कुल्फी में तो ये बहुत यूज होता है, टेस्ट भी बढ़ता है। ये एक छोटा सा बीज जिसको अगर हम पानी में डिप करते हैं तो अपनी साइज से 10 से 15 गुना तक ये बड़ा हो जाता है। और ये एक गुणों का खजाना है। इसके अंदर जो जो चीजें हैं उसको आप अगर उनको सुनते हैं, उनको अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा ये कितना फायदेमंद है। इनमें एंटीऑक्सीडेंट काफी मात्रा में होते हैं, इनमें ओमेगा 3 काफी मात्रा में होता है, इसमें मिनरल्स और विटामिंस काफी मात्रा में होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये एक फुल फ्लेज पैकेज है, हेल्थ पैकेज है अगर आप इनको खाते हैं तो। ये आपकी बोन्स के लिए बहुत अच्छे हैं क्योंकि इसमें कैल्शियम बहुत होता है। ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखते हैं क्योंकि ये इसके अंदर फाइबर बहुत ज्यादा होता है। और ये खाने के बाद जब ये धीरे धीरे करके आराम से हजम होते हैं, आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं, डाइजेशन को अच्छा करते हैं, तो आपका जो ब्लड में शुगर नहीं जाता है बल्कि शुगर ग्लूकोज जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और शुगर लेवल को कंट्रोल करने में ये बहुत मदद करते हैं। ये आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छे हैं क्योंकि इसके अंदर गुड फैट है। नंबर 1 पर आता है कि यह आपका वेट मैनेज करने के लिए बहुत अच्छे हैं क्योंकि ये फाइबर रिच होते हैं, इसके अंदर मिनरल्स और विटामिंस प्रोटीन काफी मात्रा में होती है। अगर इसको सुबह 1 टेबलस्पून खाया जाए तो काफी लंबे समय तक भूख नहीं लगती और अनहेल्दी स्नैकिंग से बच जाते हैं, डाइजेशन इंप्रूव होता है, मेटाबॉलिज्म तेज होता है, तो दोनों ही चीजें जो है वो वेट लॉस के लिए बहुत जरूरी है और वो दोनों हमें इससे मिलती है। आप इसको इसकी अगर एक सुबह स्मूदी बना के पी लेते हैं तो आपको दोपहर तक भूख नहीं लगेगी और आपका मन नहीं करेगा बीच में जो चटर पटर खाते हैं वो आप नहीं खाएंगे। नंबर 2 पर आता है कि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा हैं। और एंटीऑक्सीडेंट का क्या मतलब है कि ये आपके बॉडी के अंदर से जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए लेकिन वो हैं, उनको ये नष्ट करने में काफी मदद करते हैं, फ्री रेडिकल्स को निकालने में मदद करते हैं, उनसे होने वाले नुकसान से बचाते हैं। और जब हम उन नुकसान से बचते हैं तो हमारे जो सेल्स का ग्रोथ और जो उनका हेल्थ है वो दोनों चीजें बहुत अच्छी। इसके अंदर क्लोरोजेनिक एसिड होती है, कैफिक एसिड होती है, जो हमारे वाइटल ऑर्गेन्स के लिए बहुत फायदेमंद होती है। वाइटल ऑर्गेन्स को किसी भी फ्री रेडिकल से, नुकसान से वो बचा सकती हैं। वाइटल ऑर्गेन्स जैसे हमारा हार्ट है, लीवर है, किडनी है, उन चीजों के हेल्थ के लिए भी ये बहुत फायदेमंद होती है।
इनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस काफी मात्रा में होता है, इसलिए ये हमारी बोन्स के लिए बहुत अच्छे हैं। मतलब नंबर 3 पर आता है कि हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर हम चाहते हैं कि किसी भी उम्र तक हमारे घुटनों में दर्द ना हो, जोड़ों में दर्द ना हो, हड्डियां हमारी मजबूत रहें, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी या ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम ना हो, तो ये उसमें बहुत मदद कर सकते हैं, क्योंकि असेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स जो हमारी बोन्स को चाहिए वो इसमें हैं, और वो खाने से हमारी बोन्स मजबूत रहेंगी। इसके अंदर ALA भी काफी मात्रा में है, जो बोन्स की डेंसिटी को बढ़ा के रखता है, बोन डेंसिटी को सही रखता है। मतलब बोन्स फ्रिजाइल नहीं होंगी, और फ्रिजाइल नहीं होंगी तो उनमें फ्रैक्चर का, टूटने का वो चीज नहीं होगी, आपकी बोन्स हेल्दी रहेंगी। नंबर 4 पर आता है कि इनके अंदर, क्योंकि फाइबर काफी मात्रा में है, तो ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करेंगे और बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाएंगे, और इंसुलिन अपना काम सही तरीके से करें उसमें ये मदद करेंगे। और जब इंसुलिन सही होगा तो आपका ब्लड शुगर लेवल है वो बिल्कुल सही रहेगा, और शुगर जैसी प्रॉब्लम से भी आप बच सकते हैं। ये हार्ट हेल्थ के लिए अच्छे हैं, जैसा कि शुरू में मैंने बताया, इसके अंदर काफी मात्रा में ओमेगा 3 होता है, और जितने भी असेंशियल मिनरल्स और वाइटामिन है वो इसके अंदर होते हैं। ये आपके गुड कोलेस्ट्रोल को बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रोल को कम करता है, इसलिए ये आपके आर्टरीज के लिए, वेन्स के लिए और आपके हार्ट के लिए भी काफी अच्छा होता है। तो जिस छोटे से दाने में इतने सारे गुण हैं, हमें चाहिए ना कि उसको हम अपना लें। और इसकी रेसिपीज मैं कई सारी अपने चैनल पे कई बार शेयर कर चुकी हूं, आप कहेंगे तो मैं दोबारा इसकी और नई रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर सकती हूं। आपने करना यह है कि अपनी डाइट में डेली इसको 1 टेबल स्पून लेना है। लेने का तरीका यह है कि इसको कम से कम 1 घंटा पहले पानी में भिगो के रख दें, जिससे ये जितना फूलने हैं उतने फूल जाए। जब वो फूल जाएंगे तो उसको आप अपनी लस्सी में मिलाएं, अपने शरबत में मिलाएं, आपके अपने सैलेड में मिलाएं, किसी भी चीज में मिलाएं और उसको आप खा सकते हैं। आप ऐसे भी खाएं तो ऐसे भी वो ठीक ही लगते हैं, अच्छे तो खराब नहीं लगते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि जब आप चिया सीड को खाना शुरू करते हैं तो पहले स्मॉल अमाउंट में खाएं, पहले आधा चम्मच से आप शुरू करें। जब आपको लगे कि हाँ आपको वो सूट कर रहा है तो उसको फिर आप 1 टेबल स्पून या मैक्सिमम 1.5 टेबल स्पून डेली आप उसको ले सकते हैं। जब आप चिया सीड खाते हैं तो पानी, वाटर इनटेक का बहुत ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि इनको पानी बहुत चाहिए होता है। तो आप अपना हाइड्रेशन का ध्यान रखें, दिन में जो आपको 8 से 10 गिलास पानी पीना है वो जरूर पीना चाहिए। चिया सीड्स को कभी भी सूखा नहीं खाना चाहिए, ये चॉक कर सकते हैं क्योंकि ये फूलते हैं। अगर आपने सूखा खा लिया, अंदर जाके चॉक करेंगे तो सांस लेने का प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसको कभी भी सूखा नहीं खाना चाहिए, हमेशा इसको सोख करके खाना चाहिए, पानी में भिगो के खाना चाहिए। ओवरनाइट सोख करें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम 1 घंटा सोख करना चाहिए। तो जो चीज इतनी अच्छी है और इतने आराम से हम उसको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं और इस सुपर फूड के पूरे पूरे फायदे उठा सकते हैं, अपने वेट को मैनेज करके रख सकते हैं, और अगर एक बार आपने अपना वेट मैनेज कर लिया तो आप सारी बीमारियों से खुद ब खुद बच जाएंगे। आपको शुगर का प्रॉब्लम नहीं होगा, हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होगा, हड्डियों का प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आपका वेट सही है और एनर्जी आपकी पूरी रहेगी तो आप हेल्दी रहेंगे। तो इस नेचुरल तरीके से हेल्दी रहना तो बहुत आसान है। आप हेल्दी रहिए, मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।